अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन की सीमाओं के बीच झड़प के बाद भारत लगातार सतर्क है। भारतीय सेना के जवान सीमा पर चीन के खिलाफ मजबूती से डटे हुए हैं। चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए सेना ने सीमा पर पूरी तैयारी कर रखी है। चीन पाकिस्तान जैसे नापाक पड़ोसियों से निपटने के लिए भारतीय फौज के सिपाही सीमा पर हमेशा चौकस रहते हैं। सीमा पर एक ओर जहां भारत के जवान चीन से मुकाबले के लिए डटे हुए हैं, तो दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार ने अब चीन को घुटनों पर लाने की तैयारी कर ली है। मोदी सरकार ने सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक पावरफुल प्लान पास कर दिया है। इससे सीमा पर दुश्मनों से मुकाबला करने में सेना को मदद मिलेगी। मोदी सरकार ने चीन से बढ़ते तनाव के बीच अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में अब तक के सबसे बड़े 84,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को एक मुश्त मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने खुद इसकी जानकारी दी। सरकार ने तीनों सेनाओं को आने वाले युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए 24 रक्षा प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इन 24 प्रस्तावों में से 6 आर्मी के लिए, 6 एयरफोर्स के लिए और 10 रक्षा प्रस्ताव नेवी के लिए मंजूर किए गए हैं। इन सभी रक्षा सौदों का कुल मूल्य 84,328 करोड़ रुपए है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इनमें से 82,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद देश में ही की जाएगी। इससे न सिर्फ देश की सेनाएं मजबूत होंगी बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग भी मजबूत होगा। इन रक्षा सौदों से हल्के टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, माउंटेन गन सिस्टम, जहाज रोधी मिसाइल और लंबी दूरी के बम, अगली पीढ़ी के गश्ती जहाजों के साथ कई हथियार और सैन्य साजो सामान खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता में और इजाफा करने के लिए हल्के टैंक, जहाज रोधी मिसाइलों और लंबी दूरी के निर्देशित बमों सहित कई सैन्य हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक हल्के टैंक और माउंटेन गन सिस्टम को LSE सहित ऊंचाई वाले सैन्य इलाकों में तैनात किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मंजूर किए गए प्रस्तावों में हमारे सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा वाले बैलिस्टिक हेलमेट की खरीद भी शामिल है। इसके साथ ही नौसेना की जहाज रोधी मिसाइलों, बहुउद्देशीय जहाजों और उच्च क्षमता वाले व्हीकल्स की खरीद की मंजूरी से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति के ठीक बाद इस रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब साफ है कि भारत चीन से बॉर्डर पर मुकाबला करने के लिए सेना को और मजबूत कर रहा है। भारत पूर्वी लद्दाख में हुए विवाद के बाद से ही LSE के पास तैनात सेनाओं की युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक देशों के लिए मोदी सरकार का सीधा संदेश है कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाएं, वरना भारत के जवान उन्हें करारा जवाब देने को तैयार हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।